अमित जी, पुरानी कहावत है देखिए कि दूसरों के लिए जो खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। कौन सा खड्डा? कहाँ गए वो नरेटिव चलाने वाले जो तो हमको, देखिए मैं वही इनके बता रहा मति हूं, पहले हर वो गए हैं। नरेटिव जो चलाया जाता था। लोग जी कि आप लोगों की मति मारी गई है। आप साधना जी, राम को मैं, मानते राम की नहीं मानते, अरे अब आप हनुमान को मानते हनुमान साधना जी की। साधना जी, अरे साधना जी, अतिकुर रहमान सुबह बोल है रहे ना, हैं, सुबह इत्मीनान की रखिए निशानी है। है। किसकी मति नहीं मारी जा नहीं रही है, किसकी मति नहीं मारी जा रही है, अपनी टर्न में बोलिए। मेरा निवेदन स्वीकार करिए साधना जी। ओके बोलिए। साधना जी, आप ही की बात कर रहा हूं। कहां गए वो नरेटिव अमित जी, बोला जाता था हमको कि ये शरिया से नहीं चलेगा, ये मुल्क संविधान से चलेगा, बिल्कुल आस्था संविधान से चल रहा या है। कानून कौन याद दिलाता था। अरे कैसे चल रहा है, या हनुमान चालीसा से चलाने की कोशिश हो रही है। कहां हनुमान चालीसा हनुमान से चलाने भगवान की का कोशिश नाम हो रही बदनाम है? किया जा रहा है, शरीयत का और मतलब भगवान क्या है का और हनुमान चालीसा का सही मतलब पर क्या बिठा है? के कुछ भी ना बोल ना रहे ना आई हैं। ना दे रही, किताब पढ़ पढ़ इसको के आप हनुमान पैरेलल ड्रॉ ही चालीसा नहीं कर नुकसान हो सकते। रहा है। शरिया, शरिया का आस्था या मतलब क्या है और कानून, हनुमान ये भी चालीसा का गैर मतलब हिंदी क्या है, पहले समझ संविधान लीजिए या ये बात कहने से। मैं हिंदुत्व, नहीं ना, टू पैरेलल्स संविधान कान्ट या बी ड्रॉन हिंदुत्व, इक्वली ये आउट हियर। बताइए। दो, आप दोनों बातों को बराबर के तराजू पे नहीं रख सकते। शरिया का संविधान मतलब या क्या है, शरिया हिंदुत्व, कानून का मतलब क्या है और कितने हनुमान चालीसा बड़े का मतलब क्या है? मैं आपको संविधान चैलेंज या करता हूं। नहीं 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 हिंदुत्व, नहीं नहीं कितने आप बड़े मुझे दोनों बताइए, की शरी आप एक लाइन में कट्टरवाद बताइए या शरिया क्या है, संविधान शरिया कानून आज क्या है, बताइए फैसला आप हो मुझे। कर रहे हैं। नहीं नहीं देखिए, कट्टरवाद या ये इसके संविधान, हनुमान चालीसा पे कट्टरवाद एक या व्यक्ति अगर जेल संविधान, चला गया है तो शरिया कानून से कट्टरवाद उसका बराबरी या कर दो, यही संविधान। चाहती थी शिवसेना क्या? आप चुन लीजिए दोनों में से एक, कट्टरवाद या संविधान। देखिए संविधान है और इस देश में सेकुलरिज्म तभी तक है जब तक यहां पर तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो डेमोक्रेसी है, दूसरा हिंदू सहिष्णु है। कितनी बड़ी उसी दोगली का नाजायज मानसिकता है फायदा इसे उठाते समझिए। हुए चीफ मिनिस्टर के घर पर इन जाके लोगों ये की कितनी बड़ी इस तरह दोगली का मानसिकता नाटक है इसे करके, समझिए। अभी कह इस रहे तरह थे मेरे का घर आतंक पे फैला आओ, के आप गुस्सा थूक दो, हनुमान हनुमान का चालीसा नाम बदनाम पढ़ाओ। करें अभी आगे शरिया और और हनुमान संविधान चालीसा के को हाथ में बराबर और कर दिए। डेमोक्रेसी के हाथ ये में ये कितनी बड़ी कानून। दोगली मानसिकता है इनकी। अभी टीवी में बोले थे मेरे घर आओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, गुस्सा थूक दो। अभी शरिया और हनुमान चालीसा बराबर हो गया। ये बेसिकली कम्युनल सांप्रदायिक लोग हैं, इनके हिसाब से सब कुछ चले तो ठीक, कोई हनुमान अरे चालीसा पढ़ने अपनी लगा तो सोच इनको कष्ट लेकर आप होंगे। बिहार में बैठे अरे भैया रहो। कहाँ हम कष्ट ओ करते हैं, पास में बाबू, आप नमाज ओ पढ़े ना, बाबू, भाई हमें क्या बिहार दिक्कत जाओ, है? मैं तो बाबू हम तो इज्जत बिहार करते जाओ। हैं। नहीं, आप मुल्क इज्जत मुल्क करना के अंदर सीखो, बहुत अमन है, बिहार जाओ, शांति नहीं है, पूरे देश अरे मेरा हैं है, संभालने पूरा वाले। देश मेरा आप है, बिहार ही संभाल लो जाके, तो पूरा बहुत देश बड़ी मेरा बात है। है। अरे जूते अरे तो चिंता आपको ना भी करो, पड़े बिहारी पूरे देश थे, संभाल रहे हैं, आपको भी तो महाराष्ट्र में बिहार जूते ही पड़े पूरा थे, देश अक्कल संभाल रहे ठिकाने हैं। नहीं लगी है अभी आप तक थोड़ा के, कम पर, आप अक्कल एक मिनट ठिकाने नहीं लगी देखिए, अभी तक किसने के। महाराष्ट्र में बिहार आप यूपी पहले के लोगों का बिहार जूता को मारा संभालो था? इसी जाके, शिवसेना ने ना, अरे पहले इसी बिहार शिवसेना ने संभालो ना, जाके, बाद में मैदान में हाँ, आना। और ये शिवसेना ने कितना हाँ, प्यार नफरत किया नहीं था आपको फैलाओ, सबसे पहले, नफरत याद नहीं है ना? फैलाओ, एक छोटी सी हाँ, बात का जवाब दे नफरत आप दो, फैला रहे हैं आमद एक के छोटी, चैनल पे, आपकी हिम्मत कट्टरवाद की या दाद देता हूं, संविधान, दोनों में से आपके क्या चुनना हिम्मत की चाहोगे दाद देता आप। हूं कि आपने हनुमान चालीसा कट्टरवाद या शरिया को संविधान एक शब्द में क्या लिया है, चुनना आप उसको पसंद दुल्हन करते करोगे। हैं, आपकी हिम्मत हनुमान कैसे हुई? चालीसवा, माफी मांग लीजिए हनुमान पहले। चालीसा नहीं, कट्टरवाद से हनुमान पढ़ना चाहते चालीसा, हो अतिकुर या रहमान, अतिकुर डेमोक्रेसी रहमान, की देखिए आग में बातों पढ़ना बातों में चाहते हो। आपसे अच्छा, आप हनुमान चालीसा आपने गलत कट्टरवाद कहा होता है, है, आपने गलत हनुमान ये कहा है। चालीसा से देर इज नो कट्टरवाद होता है, कंपैरिजन, देर इज नो कंपैरिजन ऑफ गलती बोल हनुमान रहे हैं। चालीसा एंड शरिया। शरिया लॉ क्या होता है आप बताएंगे, मैं बताऊं, व्हाट इज शरिया लॉ? ये इनकी दोगली मानसिकता समझ है, ही नहीं क्या है पाए शरिया आप, लॉ? मानसिकता है आप कह रहे समझ मेरा ही घर नहीं आओ, पाए। अभी मैं तो अभी सब समझ रहा क्या हूं, जांच शरिया कानून क्या है और हनुमान चालीसा क्या है, शरिया से नहीं मतलब चलेगा, समझिए पहले दोनों का। कट्टरवाद से नहीं नहीं चलेगा, अतिकुर रहमान, नहीं मैं ये आपने गलत, ये आपने आपने गलत कहा है। संविधान से चलेगा, शरिया और हनुमान चालीसा एक है। कट्टरवादी सोच हनुमान चालीसा में जो हनुमान छुपाई हुई चालीसा है, कट्टरवादी सोच हनुमान नहीं है, शरिया एक हनुमान है, चालीसा ये एक मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना है। संविधान से, शरिया से नहीं, कट्टरवाद से नहीं, हनुमान चालीसा कट्टरवादी शरिया से सोच नहीं, नहीं कट्टरवाद है, से नहीं, शरिया लॉ मुल्क कट्टरवादी सोच चलेगा है, संविधान हनुमान से। चालीसा कट्टरवादी हाँ या सोच नहीं ना, है, गलत हाँ कह या रहे हैं ना, आप अतिकुर रहमान। जो लोग ये करना हरा चाहते कुत्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी से कट्टरवादी पूछिए। सोच रखते हैं, संकट कटे जिस मिटे सब वजह से पीरा, जो लोगों सुमिरे को हनुमत जेल बल के बीरा, सलाखों ये को कट्टरवादी पी के सोच है? भेजा है, पीरियड नहीं पीरियड नहीं नथिंग कट्टरवाद इज का पीरियड, सहारा आई कैन लेके डिबेट, हनुमान मैं का नाम आपके साथ इस बदनाम पर किया। चर्चा पूरा दिन जेल पूरी की रात किताबों कर के सकता हूं। पीछे पढ़ो जितना पढ़ना है।
एक मिनट ये बात जरा बताइए। नहीं 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 रुकिए, नहीं नहीं रुकिए, पीसीआर वेट, एक डॉक्टर चालक वेट, नहीं नहीं दिस कांट बी डन। कैसे हनुमान चालीसा कट्टरवादी सोच है? ये लोग भी यही मानते हैं। कैसे सोच है ये अतिकुल रहमान? हनुमान चालीसा कट्टरवादी सोच है? क्या मतलब है हनुमान चालीसा का? चलिए वो तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन शरिया लॉ का क्या मतलब है? तालिबान इज फॉलोइंग शरिया लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शरिया लॉ? शरिया लॉ नहीं चाहिए हिंदुस्तान। दैट्स द पॉइंट, हाउ कैन यू कंपेयर हनुमान चालीसा विद शरिया लॉ? आप हनुमान चालीसा को शरिया लॉ के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हनुमान चालीसा कट्टरवाद जब हो जाता है। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या शरिया लॉ और हनुमान चालीसा बराबर हो सकते हैं? चुप हो जाएंगे, हरा कुत्ता नहीं बोलेंगे। हाँ, उनको आवाज ही नहीं जा रही। अनुराग आवाज जा रही है आपको? नहीं बोलेंगे, हरा कुत्ता नहीं बोलेंगे। उठ के क्यों जा रहे हैं? रोज दिन हरा कुत्ता। ओके अजय आलोक, अजय आलोक, ये इनकी धार्मिक कट्टरता देखिए, इनकी हिम्मत देखिए कि शरिया लॉ को ये हनुमान चालीसा से कंपेयर कर रहे हैं। ये इतनी हिम्मत इन लोगों की पिछले 60-70 साल में बढ़ी है, जो कि खत्म करने की जरूरत है। हम इनके ग्रंथों को बिल्कुल सम्मान देते हैं, इनकी भावनाओं को सम्मान देते हैं, और इनको जब मौका मिलता है, ये मुल्ला वाला जितने लोग हैं, ये कट्टरपंथी लोग जितने हैं, ये आके हमेशा हिंदुओं का तिरस्कार करते हैं, इसी के लिए भावनाएं भड़कती हैं। अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं आप। आपको संविधान सुनाई नहीं दे रहा है, शरिया सुनाई दे रहा है। ये आप पे लागू होता है संविधान, आपको संविधान को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। संविधान सुनाई नहीं दे रहा है, संविधान से कोई मतलब नहीं दे रहा है। इस संविधान को मानते तो शरिया लॉ की बात करते हैं। अभी मैं आपको कहूंगा, इस संविधान की बात करते हैं तो शरिया लॉ की बात करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं आपको सुनाई देगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं आप। आप तो ना पॉलिटिकल कहलाने लायक हो, ना रिलीजियस लीडर कहलाने लायक। मरना चाहिए, धार्मिक कट्टरवाद फैलाते हो अपने आप को, धार्मिक नफरत फैलाने वाले हो। की बात नहीं कर सकते आप, एक मिनट, लोगों की हित की बात नहीं कर सकते आप। थोड़ा इज्जत दीजिए हनुमान चालीसा को, इज्जत दीजिए, ये हमारी धार्मिक भावनाओं की। जी जी जी, लेकिन 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 मैं व्यूअर्स का बड़ा फीडबैक आ रहा है, जो हनुमान चालीसा को कट्टर बताया जा रहा है, जो शरिया लॉ के इक्वल उसको खड़ा करने की कोशिश हो रही है, शरिया लॉ कट्टरपंथ है, हनुमान चालीसा कट्टरपंथ नहीं है। इस देश में करोड़ों करोड़ों लोग दिन रात दोपहर किसी भी समय हनुमान चालीसा करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं।